हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज का टॉपिक है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं फरवरी माह के करंट अफेयर्स पर। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है, सीजीपीएससी ई पाठशाला का ऑफलाइन बैच यानी कि इंस्टीट्यूट क्लास स्टार्ट हो चुका है, जिसके डेमो क्लासेस चल रहे हैं। जिस किसी को भी ज्वाइन करना है वो नीचे दिए गए एड्रेस पर या कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, ध्यान समझते हुए चलिएगा। सबसे पहले नंबर पर है आपका सेसा कार्यक्रम। सेसा कार्यक्रम जिसका आयोजन किया गया आपके टेमरूपानी ग्राम अंतागढ़ कांकेर में। कांकेर जिले के अंतागढ़ के अंतर्गत आता है आपका टेमरूपानी ग्राम, जहां पर मौजूद है आपका प्राचीन सूर्य मंदिर। प्राचीन सूर्य मंदिर, ये जो आपके टेमरूपानी ग्राम में जो सूर्य मंदिर है, यहाँ पे जो आपके सूर्य भगवान जो है वो आपके डांग के रूप में यहाँ पर विराजमान है। ठीक, इस सूर्य मंदिर में सूर्य भगवान आपके डांग के रूप में विराजमान है। ध्यान समझते हुए चलिएगा, ये जो मंदिर है, इस मंदिर का पट यानी कि जो द्वार है, मंदिर का जो दरवाजा है या मंदिर का जो पट है, वो साल में एक बार एक ही दिन के लिए आपका खोला जाता है। ठीक, साल में एक बार एक ही दिन के लिए, एक ही दिन के लिए मतलब इस सेसा कार्यक्रम के दिन ये इस आपके मंदिर के पट का द्वार यानी कि दरवाजा खोला जाता है। ये जो आपके मंदिर है, जो सूर्य मंदिर है, इस सूर्य मंदिर के नाम दो गांव में पांच पांच एकड़ यानी कि कुल दस एकड़ के खेत इस मंदिर के नाम पर है, जहां पर आपके धान की उपज वहां पर लगाई जाती है तथा उसके धान के बीज को एकत्र करके इस सेसा कार्यक्रम के दौरान इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों को दोने में धान के बीज वितरित किए जाते हैं। और इस बीज को जो लोग हैं अगले साल यानी कि आगामी वर्ष में जो है अपने खेतों में इन बीज को बोते हैं। ठीक है, ये जो आपके इस सेसा कार्यक्रम में, इस मंदिर में जो आपके सेसा कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, इस सेसा कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों को दोने में बीज का वितरण किया जाता है और इस बीज को अगले साल लोग अपने खेत में बोते हैं। ठीक है, इस मंदिर के नाम दो गांव में दस एकड़ के खेत है जहां पर आपके इस बीज को उगाया जाता है। ये जो आपका मंदिर है यानी कि जो आपका प्राचीन सूर्य मंदिर है, इस मंदिर में आपका पोलत गुमा सूर्य यात्रा भी निकाला जाता है, यानी कि प्रत्येक सात साल में एक बार आपका सूर्य देव का यात्रा यानी कि पेड़त गुमा सूर्य देव यात्रा निकाला जाता है। लास्ट ईयर ये जो सूर्य देव यात्रा जो है ये निकाला गया था वर्ष 2016 में, आगामी प्रस्तावित है आपके 2023 में। ये जो आपके इस सेसा कार्यक्रम में कुवारे लड़के या लड़कियां व महिलाएं, इस महिलाओं का प्रवेश इस कार्यक्रम में वर्जित है। महिलाएं जो है दूर से सूर्यदेव के दर्शन कर सकती है लेकिन इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकती। इस सेसा कार्यक्रम में कुवारे लड़के व लड़कियां तथा महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो केवल पुरुष ही इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सेसा कार्यक्रम इसका आयोजन कहाँ होता है, कांकेर में अंतागढ़ टेमरूपानी ग्राम, जहां पे सूर्य मंदिर है। सेसा कार्यक्रम का संबंध आपके सूर्य मंदिर से है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका राजिम माघी पुन्नी मेला वर्ष 2021। राजिम माघी पुन्नी मेला, ये जो आपका नाम से स्पष्ट है, माघी पुन्नी मतलब माघ पूर्णिमा। इसका आयोजन जो है माघ पूर्णिमा से लेकर के महाशिवरात्रि तक इस राजिम माघी पुन्नी मेले का आयोजन होता है। ठीक देखिए, इसका आयोजन इस वर्ष हो रहा है आपके 27 फरवरी से लेकर के 11 मार्च के बीच। इस डेट को याद रखिएगा, 27 फरवरी जिस रोज आपको माघ पूर्णिमा था, 11 मार्च जिस रोज आपका महाशिवरात्रि है। ये जो आपके राजिम माघी पुन्नी मेला है, इसका शुभारंभ किया गया आपके चरणदास महंत के द्वारा, जो वर्तमान में हमारे छत्तीसगढ़ विधानसभा के आपके अध्यक्ष है। चरणदास महंत के द्वारा जो है इस राजिम माघी पुन्नी मेले का शुभारंभ किया गया तथा इस शुभारंभ समारोह के अध्यक्ष थे आपके ताम्रध्वज साहू, जो कि एक कैबिनेट मंत्री है। ताम्रध्वज साहू जो कि धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री है। देखिए, ये जो आपके राजिम माघी पुन्नी मेला है, इस मेले की जब शुरुआत होती है, इस दिन माघ पूर्णिमा के दिन जो त्रिवेणी संगम है, महानदी पैरी सोंढूर, इस त्रिवेणी संगम में स्नान करना जो है अच्छा माना जाता है। ठीक, तो देखिए, ये जो आपका मेला चलेगा, ये 27 फरवरी से लेकर 11 मार्च यानी माघ पूर्णिमा से लेकर महाशिवरात्रि तक चलेगा। इस बीच में तीन महत्वपूर्ण अवसर है जिस समय स्नान किया जाएगा।
पहला 27 फरवरी यानी कि जिस रोज माघ पूर्णिमा है, दूसरा 6 मार्च इस दिन आपका जानकी जयंती है, और तीसरा 11 मार्च जिस इस दिन जो है आपका महाशिवरात्रि है। यानी कि इस मेले के दौरान तीन ऐसे दिन है जिस समय जो है आपका स्नान किया जाएगा, ठीक है। राजिम माघी पुन्नी मेला इंपॉर्टेंट है। आया वो प्रश्न है कि राजिम माघी पुन्नी मेले का आयोजन कब होता है या राजिम मेले का आयोजन कब होता है, ये होता है आपके माघ पूर्णिमा के दिन से लेकर महाशिवरात्रि तक। और साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा, माघ पूर्णिमा के दिन शिवरी नारायण का भी मेला लगता है, ठीक है। माघ पूर्णिमा के दिन जो है आपके शिवरी नारायण का भी आपका मेला लगता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका केंद्रीय बजट 2021-22। केंद्रीय बजट यानी कि यूनियन बजट जो आपके केंद्र सरकार भारत सरकार के द्वारा जो बजट पेश किया गया, उसमें छत्तीसगढ़ के लिए भी कुछ आपके प्रावधान लाए गए। जैसे कि देखिए, केंद्रीय बजट में हमारे छत्तीसगढ़ को मिला एक सड़क, सड़क मतलब रायपुर से लेकर के विशाखापट्टनम तक 464 किलोमीटर लंबा सड़क, ये जो है आपके केंद्रीय बजट में ये प्रावधान लाया गया है। दूसरा, सैनिक स्कूल जो आपके केंद्रीय बजट में पूरे भारत भर में 100 से ज़्यादा सैनिक स्कूल बनाए जाने की घोषणा की गई है। इस 100 से अधिक सैनिक स्कूल में हमारे प्रदेश में 4 सैनिक स्कूल बनाए जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा प्रस्ताव भेजा गया है, अगर केंद्र सरकार के द्वारा मंजूरी मिलती है तो हमारे प्रदेश में जो है 4 सैनिक स्कूल बनाए जाएंगे। कहां कहां पर? दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर और बस्तर में, ठीक। वर्तमान में हमारे प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल संचालित है आपके अंबिकापुर में। वर्तमान में हमारे प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल संचालित है आपके अंबिकापुर में। 4 और सैनिक स्कूल बनाए जाने का प्रस्ताव छत्तीसगढ़ सरकार केंद्र सरकार को भेजेगी, कहां कहां पर? दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर और आपके बस्तर में। इसके अलावा एकलव्य विद्यालय हमारे प्रदेश में जो है आपके नवोदय विद्यालय, आप सभी के सभी परिचित होंगे नवोदय विद्यालय से। नवोदय विद्यालय के तर्ज पर आदिवासी वर्ग या पिछड़े वर्ग के जो आपके बच्चे हैं, पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आने वाले परिवार के जो बच्चे हैं, उनको एकलव्य आवासीय शिक्षा, एकलव्य आवासीय स्कूल के माध्यम से स्कूली शिक्षा मुहैया कराई जाती है। तो हमारे प्रदेश में जो संचालित आपका एकलव्य विद्यालय है, उसे देश ने मॉडल बना, ठीक, देश ने उसे मॉडल मान करके पूरे देश भर में 750 से अधिक आपके एकलव्य आवासीय स्कूल बनाए जाने का प्रावधान लाया है केंद्रीय बजट 2021-22 में। इंपॉर्टेंट है, यानी कि हमारे प्रदेश में संचालित होने वाला एकलव्य आवासीय विद्यालय इस साल जो है आपके केंद्रीय बजट का मॉडल बना था, ठीक। इसी के तर्ज पर पूरे भारत भर में, पूरे देश भर में 750 से अधिक एकलव्य आवासीय विद्यालय बनाए जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है आपका बिलासाबाई केवटीन हवाई अड्डा। ये जो बिलासाबाई केवटीन हवाई अड्डा, ये मौजूद है आपके बिलासपुर में। इस बिलासाबाई केवटीन हवाई अड्डा, इसका शुभारंभ हुआ आपके 1 मार्च 2021 को इस बिलासाबाई केवटीन हवाई अड्डा का शुभारंभ हुआ। इस हवाई अड्डे को 3C कैटेगरी का दर्जा दिया गया है। हर एक हवाई अड्डे का अपना एक उसे कैटेगरी वाइज डिवाइड किया जाता है। तो हमारे छत्तीसगढ़ के जो बिलासपुर जिले में जो बिलासाबाई केवटीन हवाई अड्डा है, उसे 3C कैटेगरी का दर्जा दिया गया है। इसकी जो पहली उड़ान आपकी भरी गई एयर इंडिया के द्वारा। एयर इंडिया एक आपके जो एरोप्लेन की एक कंपनी है, यानी कि जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स जो उड़ती है उसकी एक कंपनी है, उसका नाम है आपका एयर इंडिया। एयर इंडिया के द्वारा पहली उड़ान भरी गई और वो उड़ान थी आपके बिलासपुर से लेकर के प्रयागराज, यानी कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के मध्य ये जो उड़ान भरी गई, इसमें 70 यात्री सवार थे, ठीक है। आजकल जिस प्रकार से PSC प्रश्न पूछ रहा है, तो क्या पूछ दे, कोई भरोसा नहीं है। आपके लिए सभी इंपॉर्टेंट है। बिलासाबाई केवटीन हवाई अड्डे का शुभारंभ हुआ आपकी 1 मार्च को। एयर इंडिया के द्वारा पहली उड़ान भरी गई बिलासपुर से प्रयागराज के मध्य, जिसमें 70 यात्री सवार थे। देखिए, ये जो आपके बिलासाबाई केवटीन हवाई अड्डा से जो उड़ाने हैं, ये उड़ान आपके बिलासपुर टू दिल्ली कनेक्ट होगी, यानी कि बिलासपुर से दिल्ली के लिए उड़ान होगी। लेकिन ये डायरेक्ट बिलासपुर से दिल्ली की उड़ान नहीं होगी, समझिएगा। जो आपकी उड़ान रहेगी वो बिलासपुर से प्रयागराज, प्रयागराज से दिल्ली, ठीक, वैसे ही दिल्ली से रिटर्न होगा, दिल्ली से प्रयागराज और प्रयागराज से आपका बिलासपुर, ठीक। वैसे ही जो उड़ान जो है, दूसरी उड़ान बिलासपुर से जबलपुर और जबलपुर से दिल्ली कनेक्ट होगा, और रिटर्न की फ्लाइट भी दिल्ली से जबलपुर और जबलपुर से बिलासपुर कनेक्ट होगा। तो ये उड़ानें अभी वर्तमान में आपके संचालित हो रही है बिलासाबाई केवटीन हवाई अड्डे से, ठीक।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके स्वर्गीय चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज। ये चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज है, इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2012-13 में। इसमें जो सीट है, मेडिकल सीट है, उसकी संख्या है आपका 150। हाल ही में जो चंदूलाल चंद्राकर जो मेडिकल कॉलेज है, ये चर्चा में इसलिए आया क्योंकि राज्य सरकार के द्वारा इस मेडिकल कॉलेज का अधिग्रहण किया जा रहा है। इस मेडिकल कॉलेज का राज्य शासन के द्वारा अधिग्रहण किया जा रहा है। ये जो चंदूलाल चंद्राकर जो मेडिकल कॉलेज है, ये एक निजी मेडिकल कॉलेज था, प्राइवेट सेक्टर का मेडिकल कॉलेज था, अब इसका राज्य शासन अधिग्रहण कर रही है, यानी कि ये भी अब एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है। ठीक, देखिए हमारे प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या अगर देखा जाए तो वो है आपका 10। एक है आपका सेंट्रल मेडिकल कॉलेज यानी कि एम्स, जो आपका रायपुर है, रायपुर का एम्स, और 6 आपके गवर्नमेंट और 3 आपके निजी मेडिकल कॉलेज है। ठीक है, अगर हम सेंट्रल मेडिकल कॉलेज को हटा दें तो इसकी संख्या होती है 9, लेकिन अगर सेंट्रल को इंक्लूड कर दें तो टोटल आपके 10 मेडिकल कॉलेज आपके हमारे प्रदेश में मौजूद है। एक है आपका एम्स, 6 है आपका गवर्नमेंट और 3 है आपका प्राइवेट। 3 प्राइवेट में 2 तो हमारे दुर्ग में ही मौजूद है, एक चंदूलाल चंद्राकर, दूसरा आपका शंकराचार्य और तीसरा आपका रिम्स, ठीक है, रायपुर में मौजूद है 1। तो ये 3 आपके निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज है। अगर आपका ये चंदूलाल चंद्राकर अगर आपका शासकीय यानी कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बनता है तो निजी की संख्या हो जाएगी 2 और गवर्नमेंट की संख्या हो जाएगी आपकी 7। ये शासकीय और निजी ये दोनों को मिला करके इनमें कुल सीटों की संख्या है प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की, वो है आपका 1220 सीट। ठीक, देखिए इसके अलावा हमारे प्रदेश में 3 और मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित है। एक है आपका कोरबा, दूसरा कांकेर और तीसरा महासमुंद। ठीक है, कोरबा, कांकेर, महासमुंद, इन 3 जिले में मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित है। ठीक, इसमें से तो एक जो आपका कोरबा है, इसमें मेडिकल कॉलेज भवन निर्माण के लिए भूमि पूजन ऑलरेडी हो चुका है। ठीक, तो ये है आपका स्वर्गीय चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज। प्रश्न पूछा जाएगा कि हाल ही में किस निजी कॉलेज का राज्य शासन, निजी मेडिकल कॉलेज का राज्य शासन ने अधिग्रहण कर लिया, तो वो है चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज, जो कि कहाँ मौजूद है, ये मौजूद है आपके दुर्ग जिले में। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका SECR का सबसे बड़ा सोलर प्लांट। SECR मतलब साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, यानी कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का सबसे बड़ा सोलर प्लांट, ये प्रस्तावित है आपके भिलाई चरोदा में। ठीक है, भिलाई चरोदा में मौजूद है, जो कि रेलवे एनर्जी मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के सहायता से ये सोलर प्लांट स्थापित किया जा रहा है। इसकी क्षमता होगी आपकी 50 मेगावाट, जो कि 310 करोड़ की लागत से 210 एकड़ भूमि पर इस सोलर प्लांट को स्थापित किया जा रहा है। इस सोलर प्लांट में आपके सोलर मॉड्यूल इसको हम समझ सकते हैं सोलर पैनल के तौर पर, इसमें लगभग 1.5 लाख से अधिक सोलर मॉड्यूल इसमें लगाए जा रहे हैं। 50 मेगावाट की जो है आपका इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाएगा। इसके माध्यम से जो आपके रेलवे में जो आपके जैसे अचानक से जो है आपके जो टिकट काउंटर है उसकी इलेक्ट्रिसिटी चले जाती है या रेलवे के कार्य प्रणाली में बाधाएं आती है, तो उसे दूर करने के लिए और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दिए जाने के लिए आपका ये 50 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया जा रहा है। ठीक, प्रारंभिक तौर पर इसका उपयोग स्टेशनों में किया जाएगा, टिकट काउंटर्स में किया जाएगा, जो रेलवे की जो कॉलोनियां बनी रहती है, जो रेलवे के जो एम्प्लॉय है उनके जो कॉलोनियां बनी रहती है उसमें इस विद्युत की आपूर्ति की जाएगी, और उसके बाद बड़े पैमाने पर इसका उपयोग इंजन चलाने के लिए भी किया जाएगा, लेकिन प्रारंभिक तौर पर इसका उपयोग केवल स्टेशनों में और रेलवे कॉलोनियों में किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि SECR का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहां पर स्थापित किया जा रहा है, वो है भिलाई चरोदा में। ठीक, नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ मसीही मेला इसका आयोजन हुआ आपके मंदकू द्वीप, शिवनाथ नदी के मध्य एक टापू के तौर पर मौजूद है आपका मंदकू द्वीप, जो कि मुंगेली जिले में है। ये जो आपका मंदकू द्वीप है, ये ईसाई धर्म का एक प्रमुख केंद्र है। हाल ही में यहाँ पर जो है आपके इस फरवरी महीने में छत्तीसगढ़ मसीही मेले का आयोजन हुआ। इस छत्तीसगढ़ मसीही मेले की शुरुआत जो है वर्ष 1909 से हुई थी, और इस वर्ष जो छत्तीसगढ़ मसीही मेले का जो आयोजन हुआ ये इसका 112वां वर्ष था। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ मसीही मेला 112वां वर्ष, इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 1909 से,
और ये जो है ईसाई धर्म का प्रमुख केंद्र है आपका मंदकूद्वीप जो कि शिवनाथ नदी के मध्य स्थित है मुंगेली जिले में। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ी खेल मंडाई। छत्तीसगढ़ी खेल मंडाई जिसका आयोजन हुआ आपके पाटन ब्लॉक दुर्ग, दुर्ग जिले के पाटन ब्लॉक में 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ी खेल मंडाई का आयोजन हुआ जिसमें छत्तीसगढ़ के परंपरागत खेलों को शामिल किया गया जैसे कि गेड़ी, गिल्ली डंडा, सुरपिट्ठुल, खो खो, पुगड़ी, संखली आदि खेलों को इसमें शामिल किया गया था। तो छत्तीसगढ़ी खेल मंडाई का आयोजन कहां हुआ? पाटन ब्लॉक दुर्ग जिले में, इंपॉर्टेंट है इसको याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट है आपका सोनाभाई। सोनाभाई जिनका संबंध है आपका अंबिकापुर जिले से। अंबिकापुर जिले की जो आपकी सोनाभाई है ये भित्ति चित्रकला से संबंधित है यानी कि भित्ति चित्रकार है। इनका निधन तो वर्ष 2007 में हो गया था लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, इनका नाम याद रखिएगा। इन्हें शिल्प गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया था, शिल्प गुरु। एक्चुअली में ये हाईलाइट में तब आई जब इनकी स्मृति में बनाया गया संग्रहालय यानी कि भित्ति चित्र संग्रहालय वो अभी तक उसका उद्घाटन ही नहीं हुआ यानी कि इस संग्रहालय में अभी तक ताला लगा हुआ है। तो सोनाभाई कौन है? सोनाभाई आपकी एक भित्ति चित्रकार है जिसे शिल्प गुरु की उपाधि प्राप्त है। वर्ष 2002 में आपके जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे APJ अब्दुल कलाम उनके द्वारा इन्हें शिल्प गुरु अवार्ड से सम्मानित किया गया था और साथ ही साथ मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा तुलसी सम्मान 1986 से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है भित्ति चित्रकार। भित्ति चित्रकार मतलब दीवारों पर और जो गुफाओं में जो चित्रकारी की जाती है वो कहलाती है आपकी भित्ति चित्रकार। इसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है और ब्रश के स्थान पर लकड़ी जो आपके वृक्षों की जो आपकी लकड़ियां होती है टहनियों में जो लकड़ियां लगी रहती है उसके सामने वाले हिस्से को कुचल करके उसका ब्रश बना करके ये चित्रकारी की जाती है। ठीक, ये जो आपके सोनाभाई है, सोनाभाई अपने इस चित्रकार की अपने जो चित्रकला है इसकी प्रस्तुति विदेशों में भी दे चुकी है और इनके जीवन पर आधारित एक पुस्तक सोनाभाई अनदर वे ऑफ सीइंग ये पुस्तक लिखा गया है आपके एक अंग्रेज राइटर डॉक्टर स्टीफेन श्यूलर के द्वारा। तो सोनाभाई जो कि आपके भित्ति चित्रकला से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके राजीव गांधी किसान न्याय योजना। ठीक, देखिए ये जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना है इसकी शुरुआत 21 मई 2020 को हुई थी। 21 मई 2020 को इस राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी उनके पुण्यतिथि के अवसर पर इस योजना का शुभारंभ किया गया था। इस योजना के अंतर्गत धान, मक्का और गन्ना के उपज लेने वाले किसानों को अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे धान की उपज का जो है आपका खरीदी केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पे किया जाता है यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा 1815 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी की गई जबकि प्रदेश सरकार जो है धान की खरीदी 2500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से करती है यानी कि जो अतिरिक्त राशि है वो आपके राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत किस्तों में किसानों के अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर किया जाता है। तो यह है आपके राजीव गांधी किसान न्याय योजना। इस राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत अभी जो आपके रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकरण करने की जो तिथि है उसे बढ़ाई गई 28 फरवरी तक। ऐसा क्यों किया गया उसे समझिएगा। इस योजना के अंतर्गत प्रारंभिक तौर पर इस योजना का लाभ धान, मक्का और गन्ना के किसानों को ही मिलता लेकिन इसमें जो है खरीफ वर्ष 2020 के अन्य उपजों को भी शामिल किया गया। कौन कौन से है? सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरहर, मूंग, उड़द, कुल्थी, रामतिल, कोदो, कुटकी और रागी, इन कृषि उपजों को भी इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया यानी कि इन उपज की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तो की जाएगी लेकिन अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि प्रदान किया जाएगा इस योजना के अंतर्गत। देखिए इसमें जो है धान, मक्का और गन्ना को छोड़कर जो बाकी बचे हुए जो आपके ये जो उपज है इसमें फसलों की गिरदावरी के अनुसार, किस फसलों की गिरदावरी के अनुसार यानी कि एक प्रकार से जो गवर्नमेंट का डाटा है भुइयां में जो आपके गवर्नमेंट के जो डाटा अवेलेबल रहते हैं पटवारी के द्वारा जो रकबा मेंशन किया जाता है उसके आधार पर यहां पर जो है सहायता राशि प्रदान की जाएगी इन फसलों की। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका फागुन मंडाई। फागुन मंडाई जिसका आयोजन होता है आपके दंतेवाड़ा जिले में काफी इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार से हमारे बस्तर का विश्व प्रसिद्ध दशहरा जो है आपका पूरे विश्व में प्रसिद्ध है जो लगभग 75 दिनों तक चलता है वैसे ही
जो आपका फागुन मंडाई है दंतेवाड़ा जिले का, वो 45 दिनों तक चलता है। इसका आयोजन बसंत पंचमी से लेकर के होली तक होता है, ठीक है। बसंत पंचमी से लेकर होली तक 45 दिनों तक चलने वाला ये एक मंडाई महोत्सव है, जिसका आयोजन कहाँ होता है, दंतेवाड़ा जिले में। देखिए जो मंडाई की जो शुरुआत है, मंडाई की शुरुआत दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी मंदिर के परिसर में एक त्रिशूल स्थापना के साथ इस मंडाई महोत्सव की शुरुआत बसंत पंचमी के दिन होती है। दंतेश्वरी देवी की पूजा सरस्वती के रूप में की जाती है तथा होली के 9 दिन पूर्व देवी के छत्र को मेड़का डोबरा में स्थापित किया जाता है। मेड़का डोबरा और कुछ नहीं, मंदिर प्रांगण से कुछ ही दूरी पर स्थित एक मैदान है। तो जो दंतेश्वरी देवी का जो छत्र है उसे मेड़का डोबरा में स्थापित किया जाता है तथा वहां पर 9 दिन तक कलश प्रज्वलित किया जाता है और इसी मैदान में आपके शिकार नृत्य आदिवासियों के द्वारा किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 45 दिनों तक चलने वाला महोत्सव है आपका फागुन मंडाई महोत्सव, ठीक है। फागुन मंडाई महोत्सव जिसका आयोजन होता है आपके दंतेवाड़ा में। नेक्स्ट है आपका गहिरा मंडई उत्सव। गहिरा मंडई उत्सव इसका आयोजन हुआ आपकी 27 फरवरी को महादेव घाट रायपुर में। रायपुर के महादेव घाट में इस गहिरा मंडई उत्सव का आयोजन हुआ। इसमें शामिल हुए पूरे प्रदेश भर के राउत नाचा पार्टी, ठीक है। राउत नाचा पार्टी इसमें शामिल हुए, जहाँ पे आपके राउत नाचा की प्रतियोगिता रखी गई, दोहा बोलने की प्रतियोगिता रखी गई। इसमें यदुवंशी यानी कि यादव समाज के लोग इसमें शामिल हुए। तो गहिरा मंडई उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ पूछा जाए तो महादेव घाट रायपुर में। हमारे प्रदेश का सबसे बड़ा राउत नाचा महोत्सव कहाँ होता है पूछा जाए तो वो है बिलासपुर में। ये क्या है, गहिरा मंडई उत्सव, ठीक। नेक्स्ट देखिए, वर्मी कंपोस्ट। आप सभी को पता होगा जो गोधन न्याय योजना है, गोधन न्याय योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार गोबर की खरीदी करती है, ठीक। और उस गोबर का बनाया जाता है आपका वर्मी कंपोस्ट, यानी कि खाद बनाया जाता है और खाद बना करके इसे बेचा जाता है। तो इस वर्मी कंपोस्ट के उत्पादन में जो कांकेर जिला वो रहा आपका अव्वल, प्रदेश में कांकेर जिला आपका प्रथम स्थान पर रहा। ये जो वर्मी कंपोस्ट है इसकी बिक्री की जाती है आपके 10 रुपये प्रति किलो की दर से। ये जो आपकी राशि, जो राशि एकत्र होती है, इस राशि का 85% हिस्सा जाता है महिलाओं को, यानी कि जो महिला स्वसहायता समूह जो इस गौठानों में कार्य कर रही है, जो वर्मी कंपोस्ट उत्पादन में जो आपकी महिलाएं संलग्न है उन्हें 85% राशि जाती है, जबकि 15% राशि गौठानों को दिया जाता है, ठीक है। तो वर्मी कंपोस्ट उत्पादन में अव्वल रहा आपका कांकेर। नेक्स्ट है अजीत जोगी जी की बायोपिक। जो हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, यानी कि प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी, उनके जीवन पर आधारित एक बायोपिक, एक फिल्म बनाई जा रही है, ठीक। ये जो बायोपिक है ये इनके ऊपर, इनके आत्मकथा जो पुस्तक है सपनों के सौदागर, उस पर आधारित रहेगी ये अजीत जोगी जी की बायोपिक, जिसके निर्देशक है आपके देवेंद्र जांगड़े। इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा, देवेंद्र जांगड़े। इसके जो कलाकार होंगे उन कलाकारों का ऑडिशन अभी चल रहा है, निर्देशक का नाम याद रखना है आपका देवेंद्र जांगड़े, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा फरवरी मंथ का करंट अफेयर यहीं पर एंड होता है। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।